हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी ऊर्जा संसाधन, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संसाधनों को देखा था। इसमें बात करने वाले हैं पर्यावरण सुरक्षा के बारे में। पर्यावरण सुरक्षा, राज्य सरकार के विभाग पर्यावरण निदेशालय का गठन 1976 में हुआ। राज्य सरकार के विभाग पर्यावरण निदेशालय का गठन कब हुआ? 1976 में। यह प्रदेश में पर्यावरण की सुधार एवं जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु जागरूक एवं कार्यरत है। उत्तर प्रदेश शासन के अधीन पर्यावरण निदेशालय द्वारा इसी पृष्ठभूमि में प्रदेश की पर्यावरण सुरक्षा सुधार एवं संवर्धन हेतु पर्यावरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। पर्यावरणीय विकास तथा शोध करने पर्यावरण के प्रति जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करने से संबंधित होते हैं। ठीक, आगे बात करें, नेशनल ग्रीन कोर योजना। नेशनल ग्रीन कोर योजना पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नेशनल ग्रीन कोर नामक योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत प्रत्येक जनपद में 250 विद्यालयों में इको क्लब बनाए जाने की व्यवस्था की गई है। फिर बात करते हैं शहरी वन लगाने की योजना। उत्तर प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में शहरी वन लगाने की एक योजना 23 जून 1993 को शुरू की। इस योजना के अनुसार राज्य के सभी जिलों में वृक्ष लगाने का अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, एक लाख से अधिक पहले ये तो बात कर लेते हैं। शुद्ध संयंत्रों का विवरण, ये नगर हैं, स्थापना है, प्रकार हैं, क्षमता है, यानी कि LED में, MLD में, फरुखाबाद में, ऑक्सीडेशन पांड 7.70 MLD, कानपुर, जाजमऊ USB 5.00 MLD, दूसरा जाजमऊ में USB 36 MLD, जाजमऊ तीसरा एक्टिवेटेड स्लज 130.00 MLD, जाजमऊ एक क्रोम रिकवरी 0.0045 है। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद, प्रयागराज में एक्टिवेटेड स्लज 60.00 MLD है। वाराणसी में DMW एक्टिवेट स्लज 12.00, BHU एक्टिवेटेड स्लज 8.00, कोनिया एक्टिवेटेड स्लज AB 80.00, मिर्जापुर में USB 14.00 MLD है। ठीक, फिर ये नदी प्रदूषण नियंत्रण योजना, गंगा कार्य योजना। गंगा नदी की सफाई के उद्देश्य से लागू की गई, जिसके लिए 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई। गंगा के प्रदूषण निवारक हेतु भारत सरकार जून 1985 में गंगा कार्यकारी योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें गंगा नदी के किनारे स्थित 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को शामिल किया गया था। इसमें योजना का मुख्य उद्देश्य नदी के जल को नहाने के उपयुक्त स्तर तक लाना था, जिसके लिए सीवर नालों का नदी में जाने से रोकना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्वच्छ शौचालय, बिजली सौदाय गृह, घाटों का सुधार आदि कार्य कराए गए।
उत्तर प्रदेश के लिए 185 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया था। इसमें निम्नलिखित पांच नगरों के लिए 106 योजनाएं क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें 56 योजनाएं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा क्रियान्वित की गई। मातकानपुर तथा प्रयागराज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पावर पैकेज के लिए कार्गो छोड़कर अन्य सभी योजनाएं पूर्ण हैं। बाढ़ की विविधता को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू किया गया, जिसका मौलिक उद्देश्य वनों के अंधाधुंध कटाव को रोकना है। वर्ष 1988 में इस अधिनियम को और अधिक कठोर बना दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सभी जगह 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य की समग्र सुरक्षा के उद्देश्य एवं प्रदूषण निवारण हेतु अधिनियमित जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, महावृक्ष पुरस्कार, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण पुरस्कार, स्वच्छ प्रौद्योगिकी हेतु राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मरुभूमि पर्यावरण फेलोशिप पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप पुरस्कार, पर्यावरण जन जागरूकता के लिए स्कूली बच्चों को पुरस्कार योजना। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुश्री मायावती तत्कालीन, ठीक है, सन 2011 में भरवारा में नवनिर्मित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व सीवेज पंपिंग स्टेशनों का लोकार्पण किया। एशिया के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर लगभग 361 करोड़ की लागत आई। इस ट्रीटमेंट प्लांट में USB तकनीक का प्रयोग किया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश के अधीन पर्यावरण निदेशालय द्वारा इस पृष्ठभूमि में प्रदेश के पर्यावरण की सुरक्षा सुधार एवं संवर्धन हेतु विविध कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नेशनल ग्रीन कोर नामक योजना का संचालन किया जा रहा है। गंगा नदी के प्रदूषण निवारण हेतु भारत सरकार द्वारा 5 जून 1985 में गंगा कार्यकारी योजना प्रारंभ की गई। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन से उनके आंसर भी देख लेते हैं। तीव्र गति से वृक्षारोपण की योजना किस नाम से विख्यात है? ऑपरेशन ग्रीन, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका दूसरा, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी 1974 में, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है तीसरा, राज्य वन नीति बनाई गई थी, याद रखना, दिसंबर 1998 में, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन चार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो याद रखना सन 1975 में, कब? सन 1975 में। क्वेश्चन है आपका पाँच, वृक्षारोपण एवं वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो याद रखना है वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सिक्स, पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया? तो याद रखना 1976 में। क्वेश्चन है सात, पर्यावरण संरक्षण में उद्देश्य राज्य के सभी जिलों में शहरी वन लगाने की योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 23 जून 1993 को, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आठ, निम्न में से कौन सा स्थान वाराणसी में नहीं है? तो याद रखना है जाज भाऊ, ठीक है, कौनिया BHU प्रयागराज, ये सभी वाराणसी में है, जाज भाव नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन है 9, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1985 में, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में हुई। क्वेश्चन है आपका 10, क्या है क्वेश्चन 10, बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 1980 में। क्वेश्चन है 11, उत्तर प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया था? तो याद रखने सी ऑप्शन सही है, मायावती जी ने। ठीक, तो ये था आपका पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जो तथ्य थे उत्तर प्रदेश के, में उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उन्हें बात के लिए। आगे हम लोग बात करेंगे सूचना एवं जनसंपर्क के बारे में उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, देखेंगे ना।